हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं किनारी बाज़ार की मार्केट। इसमें हमने एक्सप्लोर किया है कुछ ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये कलेक्शन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इयररिंग्स के इस वाले के 400 और इसके ये भी 400 ही है। ये 550 है। 12 कलर मिलेगा इसमें। अच्छा, इसमें 12 कलर और इनमें कलर्स मिलेंगे? इसमें भी 20-22 कलर रेट वेट इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, कलर्स भी मिल जाएंगे इनमें। बड़ी सुंदर हैं, काफ़ी प्यारे हैं। भैया इसका क्या प्राइस है नेकलेस का? ये पूरा सेट, ये ब्राइडल है ना? अलग अलग है। अच्छा, ये अलग पचास का है, 650 का है, 850 रुपये का। अच्छा, सबके साथ टीका इयर रिंग लेगा। और ये भैया ये टीका है ना? टीका भी है, इयर रिंग भी है इसका। अच्छा, ये कितने का है? 550 रुपये का टीका इयर रिंग। इयर रिंग्स और टीके के साथ 550 का। अच्छा, ये इसका प्राइस बताना भैया। 22 कलर इसमें। इसमें भी कलर्स हैं? 22 कलर इसमें। 22 कलर। अच्छा, हाँ ब्राइडल ही तो है। और इसका कितना बताया था आपने? 450। इसमें भी कलर्स होंगे? सब में कलर मिल जाएंगे। अच्छा, ये कुंदन वाला है। इसमें इसका क्या प्राइस बताया था? 450 से स्टार्ट है। 450। अच्छा, 450 से स्टार्टिंग है इसकी। भैया आपकी शॉप का नाम? फैंसी जरी। अच्छा, फैंसी इसके चांदनी चौक में नहीं, किनारी बाज़ार में। काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आपकी। भैया ऑनलाइन भी देते हो आप या नहीं? हाँ, दे देते हैं। जो जानने वाले होते हैं उनको देते हो? अच्छा, नंबर नंबर है आपका कोई? डिजाइन हर कलर मिल जाएगा सब में। अलग अलग टीके हैं ये? हाँ, सब अलग अलग। 80 से 200 रुपये रेंज में। 200। ये मीनाकारी वाला है। अच्छा, मीना वावा इस पर। इसमें टीका इयर रिंग 12-13 कलर मिल जाएगा। अच्छा, इनमें कलर्स भी सब में मिल जाएंगे? मीना वाली होती है। अच्छा, मीना वाली में कलर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू भैया। यहाँ पर आपको शादी से रिलेटेड फंक्शंस के लिए काफ़ी एसेसरीज मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हल्दी लिखा हुआ और मेहंदी लिखे हुए आते हैं, वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के मिल जाएंगे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। एंड यहाँ पे आपको अपने फंक्शंस में रेडी होने के लिए यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी मिल जाएगी, फ्लावर्स की ज्वेलरी। और भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर आके एक बार देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी।